बसते पूते की रिया इस पूरण मन के हाथ लई के Thank you.
ਦਾ ਵਟੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਜਲ ਜਰੋ ਖਾਲ ਕੇ ਅੱਜ ਕੀ ਤਕਿੰਦਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਬੰਨ ਤੀਰ ਛਵਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਟੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਬੰਨ ਤੀਰ ਛਵਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਟੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਖਮੀ ਸੰਦੇ ਗਿਆ भाइयों राम राम। नैन रागनी स्टूडियो की तरफ से भाइयों आज रागनी थी मास्टर सतबीर सिंह भैंसवालिया की आवाज में। सौजन्य से भाई मोहित मलिक, उन्होंने काफी पहले ये रागनी भी पहुंचा रखी थी। बहुत से कलेक्शन उन्होंने पहुंचा रखा है पुराना, बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग थी। इसने कैश कहकर मास्टर सतबीर जी के शुरुआती दौर की रिकॉर्डिंग रही होगी। गाने का जो अंदाज है और जो साज बाज है उससे आइडिया हो जाए भाइयों, और रिकॉर्डिंग की हालत भी बहुत पुरानी थी तो जाहिर है कुछ शब्द सुन में समझ में कम आवे थे। तो कोशिश करी थी जैसे समझ में आए लिखने की, शायद कहीं कहीं कली में कमी रह गई है लिखने में, लेकिन जो मास्टर जी बोल रहे हैं उससे अलग भी नहीं लिख सकते, और जो वो बोल रहे हैं उनमें कहीं कहीं डाउट सा था। और ये रागनी कहीं सर्च करने पे मिली भी नहीं किसी कलाकार की आवाज में भाई, क्योंकि बहुत कम जगह सर्च करी यूट्यूब पर और भी नहीं मिली, और मेरे पास ये किस्सा फोन में भी नहीं था, लैपटॉप में भी नजर मारी मिला नहीं पूर्णमल का कई कलाकारों की आवाज में, और जिनका मिला उनकी आवाज में रागनी थी नहीं। आजाद सिंह खांडागेड़ी की एक रिकॉर्डिंग थी, कुछ उसमें से सुनी, कुछ एक दो लेडी कलाकार ने यूट्यूब पर रखी है, तो कोशिश करी थी लिरिक्स टाइप करने की मिलते जुलते। बाकी कमी रहेगी तो माफी चाहेंगे भाइयों, और भाइयों वीडियो में पीछे शायद आज ग्रीन स्क्रीन ना हटा पाए, क्योंकि अपने स्टूडियो में सूख रहे कपड़े, मौसम खराब है, ठंड ज्यादा है, कपड़े सुखाने की जगह नहीं थी, तो इसमें जुगाड़ कर रखा है, तो आज इसकी माफी चाहेंगे वीडियो की। और भाइयों आज एक विनती है सारे भाइयों से, यूट्यूब पे चैनल है एसके रागनी चैनल, ऊपर लिंक दे दूंगा चैनल का आपने। ये भाई हैं संस्कृति प्रेमी, बहुत पुराने श्रोता रागनियों के, और कुछ रिकॉर्डिंग भी करते हैं स्टेज से, सतपाल कौशिक जी। इन्होंने एक अपील करी है, आप वो वीडियो भी देखना उनके चैनल पे जाके, और उनको समर्थन भी करना, हमने भी सहयोग करा है, समर्थन दिया है कि भाई आप इस मुहिम को आगे बढ़ाओ। कुछ हरियाणवी रागनियों के ऊपर जो म्यूजिक कंपनी कह ले या फर्जी म्यूजिक कंपनी कह ले जो दावा करती हैं और बहुत लोगों को परेशान भी करती है कि हमारी रिकॉर्डिंग है, इस तरह के विवाद चल रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने एक अपील करी है, और वो इस बात पर आगे बढ़ना चाहते हैं सारे समाज से बात करके, कलाकारों से, कवियों के परिवारों से, कि भाई ये संस्कृति किसी कैसेट कंपनी की मोहताज नहीं है और ना किसी की जागीर। तो भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है एसके रागनी चैनल, उस पर जाकर वो वीडियो देखें, इन भाई से संपर्क करें और सहयोग करें और इस बात ने आगे बढ़ाऊं, ताकि जो हमारी रागनी है वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी रहे और नई पीढ़ी सुनती रहे और ये धरोहर बची रहे, और हमारे कलाकार जो है ना जिनको अभी तक सिर्फ लूटा गया है, स्टूडियो में बुलाया, चंद पैसे दिए, रिकॉर्डिंग ले ली, रॉयल्टी का कोई हिसाब नहीं, उनके जीवन यापन का, उनकी बुढ़ापा पेंशन का, उनके आगे चलने का कोई रोजगार नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, तो इस प्रकार का जो हो रहा है उसके उनमें मदद मिल सके उन कलाकारों को, उसमें सहयोग करना है, इस भाई का साथ देना हमने और सहयोग करके इस बात को आगे बढ़ाना है मुद्दे को। क्योंकि अभी पीछे हमने देखा था सीनियर कलाकार मांगे लोहार जी बहुत आर्थिक तंगी में थे, उनकी खस्ता हालत सबने देखी, उनकी वीडियो भी आई, बीमार भी थे, उनका ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन जितना उन्होंने गाया कुछ तो ऐसे बेशरम यूट्यूब चैनल थे जिस टाइम वो बीमार हुए उस टाइम उनकी वीडियो डालनी शुरू कर दी, क्योंकि ट्रेंडिंग में बोला व्यू आएंगे। तो इस प्रकार का ना हो, किसी का कब्जा ना हो, आप इन भाई को सहयोग जरूर करना, ये सब भाइयों से विनती है। एसके रागनी चैनल ऊपर आपने लिंक मिलागा चैनल का, तो जुड़े रहो दोस्तों, बाकी वीडियो डालते रहेंगे। राम राम भाइयों।